हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अंकिता। आज है डे 3 ऑफ 7 डेज सीरीज, जिसमें मैं डेली आपसे 10 to 20 करंट अफेयर्स डिस्कस करती हूँ। तो चलिए आज के 10 क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन एक्टर हैज़ बिन कन्फर्ड विद 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड रिसेंटली। इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि अभी हाल ही में किसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, रजनीकांत। रजनीकांत जी को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। तो क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टॉर्म दैट हैज स्वेप्ट अक्रॉस पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस एंड द नीदरलैंड्स। बोल क्या रहा है, ऐसा कौन सा तूफान है जो अभी कहाँ पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड से गुजरा है या वहाँ पे तबाही मचाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑरोरे। ठीक है, इसे बहुत लोग ऑरोरे भी बोलते, बहुत लोग ऑरोर भी बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, सेला टनल विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। सेला टनल है, ठीक है, अभी न्यूज़ में चल रहा था इसका नाम। तो ये किस स्टेट, इंडियन स्टेट में है, लोकेटेड कहाँ है। तो इसका आंसर आंसर नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, WHO के महानिदेशक का पुरस्कार, ठीक है, WHO के डायरेक्टर जनरल का अवार्ड प्राप्त करने वाली हेनरीटा लैक्स, ठीक है, हेनरीटा लैक्स को WHO का डायरेक्टर जनरल्स अवार्ड मिला है। तो वो किस देश से हैं, ठीक है। तो इसका आंसर का आंसर नंबर ए, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हेनरीटा लैक्स यहाँ से हैं, USA से हैं। अब इनको क्यों ये अवार्ड मिला है, देखिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लें। बोल क्या रहा है, वह एक अमेरिकी महिला हैं जिनकी कैंसर कोशिकाओं को 1950 के दशक के दौरान उनकी जानकारी के बिना लिया गया था, ठीक है। अब इसमें अवार्ड देने वाली क्या बात है, देखिए उनसे बिना पूछे उनके कैंसर कोशिकाओं को लिया गया था 1950 में, उनको सर्वाइकल कैंसर का प्रॉब्लम था। तो उनसे जो ये कोशिकाएं ली गई थी उससे HPV वैक्सीन बनाने में मदद मिली, जो बाद में HPV वैक्सीन का विकसित हुआ। इसलिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है, इनके याद में इनको अवार्ड दिया गया है। कौन सा, WHO डायरेक्टर जनरल अवार्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव, तवांग गांडेन नमग्याल रात से विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ये एक जगह का नाम दिया गया है, बोल रहा है ये भी रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये किस कंट्री में लोकेटेड है, किस कंट्री में ये पड़ेगा। तो हो जाएगा आंसर नंबर ए, इंडिया में। इंडिया में कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। इसके बारे में भी हम लोग जान लें, देखिए बोल क्या रहा है, त्वांग मठ जो है, जिसके बारे में अभी हमने बात की, त्वांग मठ जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक बौद्ध मठ है, ठीक है। ये एक बौद्ध मठ है जो कि इंडिया में तो नंबर वन पे है, इंडिया में सबसे बड़ा मठ जो है वो त्वांग मठ है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और विश्व में ये दूसरे नंबर पे है। तो विश्व का पहला कौन सा होगा, तो है पोताला महल, जो कि कहाँ है, लासा में, चाइना में, ठीक है। लासा चाइना में पड़ता है, और पोताला महल जो है ये नंबर वन बौद्ध मठ है, नंबर वन यानी सबसे बड़ा बौद्ध मठ विश्व का पोताला महल है, और सेकेंड नंबर पर क्या है, त्वांग मठ। और त्वांग मठ अगर भारत में देखा जाए तो नंबर वन पे सबसे बड़ा मठ है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट इज द टाइटल ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, आंसर जाएगा ए, गोल। ठीक, इनके बारे में भी जान ले, मेजर ध्यानचंद, देखिए पहले क्या हुआ करता था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है, ठीक है। स्पोर्ट्स में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो सर्वोच्च यानी कि टॉप मोस्ट खेल सम्मान है। लेकिन 6 अगस्त 2021 को हॉकी के दिग्गज कौन थे, हॉकी के दिग्गज कौन है, ध्यानचंद जी के सम्मान में इस पुरस्कार का नाम बदल दिया गया। इसलिए राजीव गांधी का नाम खाली यहाँ से हटा के किसका नाम लगा दिया गया, मेजर ध्यानचंद जी का नाम लगा दिया गया, जिससे इस खेल पुरस्कार, रत्न पुरस्कार का नाम हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। किसके सम्मान में किया गया, जो हॉकी के दिग्गज हैं ध्यानचंद जी, उनके सम्मान में किया गया, ठीक है, आपको याद रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन, प्रज्ञानानंद हु वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच गेम। प्रज्ञानानंद एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं, तो वो सबसे युवा यानी सबसे यंगेस्ट शतरंज खिलाड़ी हैं, और इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर
बी चेस। जो प्रज्ञा नंदा की बात नंद की बात की जा रही, वो कौन से गेम से एसोसिएटेड है? वो है चेस से रिलेटेड, और वो बहुत छोटी यानी कि बहुत यंग खिलाड़ी हैं, ठीक है। वो उनका जन्म ही 2005 का है, तो आज के हिसाब से आप मान लीजिए उनके एज क्या है, 16 साल, वो काफ़ी यंग खिलाड़ी हैं। अब उनके बारे वो रिसेंट न्यूज़ में क्यों आई थी, देखिए प्रज्ञानानंद भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं और देश के युवा ग्रैंड मास्टरों में से एक हैं, ठीक। हाल ही में उन्होंने अपने अमेरिकी प्रतिद्वंदी क्रिस्टोफर यू के खिलाफ एक अंतर जूलियस बेयर चैलेंज शतरंज टूर जीता। आपको इतना याद रखनी जरूरत है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, मान लीजिए पूछ लेता है कि वो किसके खिलाफ जीती थी, तो हो जाएगा अमेरिकी प्रतिद्वंदी या अमेरिकी कंपेटिटर उनकी कौन थी, क्रिस्टोफर यू। और प्रज्ञानानंद जो है वो चेस से रिलेटेड है, उनका जो गेम है वो है चेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे बात हो रही है तलपियोट सिमेट्री की। तलपियोट सिमेट्री विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री, ठीक है। बोल रहा तलपियोट सिमेट्री है, वो अभी रिसेंटली न्यूज में आया था, तो वो किस कंट्री में लोकेटेड है? इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, इसराइल। अब तलपियोट सिमेट्री की खास बात क्या है देख लेते हैं। यह उन भारतीय सैनिकों का कब्रिस्तान है, ठीक है, भारतीय सैनिकों का कब्रिस्तान है जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान इस क्षेत्र में अपने प्राणों की आहुति दी थी, जो यरूशलम के तलपियोट में स्थित है, ठीक। इसके कुछ आपको मतलब एक बैकग्राउंड पता होना चाहिए, ये है क्या, तलपियोट जो सिमेट्री है ये भारतीय सैनिकों का कब्रिस्तान है, जो कि कौन किसके लिए है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार युद्ध के दौरान इस क्षेत्र में अपने प्राणों की आहुति दिए थे, ठीक है, उनके लिए है। डॉ क्वेश्चन नंबर 9, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 मेडल्स इन द पैरालंपिक गेम्स? ये तो आपको शायद पता होगा, चलिए मैं इसका आंसर बता दूँ, ये होंगी अवनी लेखरा। अवनी लेखरा जी जो हैं वो फर्स्ट इंडियन वुमेन हैं जो कि पैरालंपिक गेम्स में 2 मेडल जीती थी, ठीक है। ये कौन है, इंडियन शूटर है, शूटर यानी कि इनका जो खेल है वो है शूटिंग का, तो इसका आंसर हो जाएगा अवनी लेखरा। नाउ लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच कंट्री हैज़ बीन सस्पेंडेड फ्रॉम द 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक्स बाय द IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी? कौन सी कंट्री को सस्पेंड कर दिया गया है कहाँ से, बीजिंग विंटर ओलंपिक्स से? तो आंसर हो जाएगा बी, नॉर्थ कोरिया। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया है कि एक टीम को भेजने से मना कर दिया है कहाँ, विंटर ओलंपिक्स में, कोविड का हवाला देते हुए। कोविड का हवाला देते हुए नॉर्थ कोरिया ने एक टीम बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में भेजने से मना कर दिया। इसी सज़ा के दौरान इसी सज़ा को देते हुए इंटर ओलंपिक्स इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ने इसको सस्पेंड कर दिया बीजिंग विंटर ओलंपिक्स से। तो और आज का एक लास्ट क्वेश्चन जो अभी हाल ही में कल घटा है, तो फेसबुक ने अपना नाम बदल दिया है, उसका नाम हो गया है मेटा, ठीक है। फेसबुक ने अपना नाम क्या कर लिया है, मेटा। तो ये आज के 10 क्वेश्चंस थे। आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। थैंक यू सो मच।